रिप्रेजेंट यानी ये सारी सीट्स इधर उधर हो सकती हैं, सब 200, 300, 12 वोट से आगे, कोई 1000 से बिल्कुल नेकेड नेक चल रहा है, बिल्कुल नेकेड नेक चल रहा है। किशोर, त्रिपुरा से नागालैंड आ जाते हैं, हालांकि नागालैंड में तो पिक्चर क्लियर है, वहां पर आरपीआई अठावले की जो पार्टी है उनकी एक सीट में जो बढ़त है लगातार बरकरार है। जी हाँ, तो वहां पर अठावले भी बरकरार है और एलजेपी भी बरकरार है, लेकिन यहां पर बहुत दिलचस्प होता हुआ त्रिपुरा में 31 का आंकड़ा बीजेपी ने छू लिया है, बहुमत का आंकड़ा बीजेपी ने रुझानों में छू लिया है, लेकिन ये इतना छोटे छोटे मार्जिन से चल रहा है कि कभी भी चेंज हो सकता है। 31, 60 में से 31 बीजेपी आ गए, लेफ्ट और त्रिपुरा बहुत पीछे रह गए हैं। चेंज हो सकता है, बमूतिया से नयन सरकार है, लेफ्ट की कैंडिडेट है, 3700 वोटों से आगे चल रही है, और ये अभी नया ट्रेंड आया और सीपीआईएम के तमाम उम्मीदवार अब अचानक से ट्रेंड में ऊपर आने लग गए हैं। सीपीआईएम के तमाम उम्मीदवार अचानक ट्रेंड से ऊपर आने लग गए हैं, हालांकि अभी बीजेपी प्लस जो है 31 पर चल रहा है। वो अभी जो सीट के बारे में कहा गया, दैट इज अ सबर्बन सीट, मतलब जो सिटी एरिया है उसका एकदम नजदीक वाला सीट है, तो जो अर्बन सीट्स का जो इन्फ्लुएंस है वो वहीं पे पड़ेगा, सो दैट वे यू कैन लुक एट इट। हाँ, तो शहरी इलाकों में अर्बन सीट्स में 7 सीट्स का नुकसान, 16 में से 9 मिल रहा है सिर्फ बीजेपी को। हाँ, तो ये नुकसान देखिए, जो बमूतिया सीट का जो अभी जिक्र हुआ था, जहाँ पे कि सीपीएम वाले उम्मीदवार जो आगे हैं, दैट इज अ सबर्बन सीट, प्लस आईपीएफटी के साथ जो पिछली बार सीट्स मिली थी ट्राइबल सीट्स, वो भी वहाँ पर वो नहीं मिल रही, वो नहीं मिल रही है। किशोर, मेघालय के, अब हम त्रिपुरा से अगर मेघालय आते हैं तो अन्य की जो हम बात करें, एक और पार्टी आ गई है, वॉइस ऑफ द पीपल पार्टी, वो भी एक सीट में आगे चल रही है, ये तीसरी नई पार्टी का हमने आपके सामने जिक्र किया है। जी हाँ, मतलब ये अलग अलग एक एक छोटी छोटी पार्टियां एक दो सीटों के साथ, वो अन्य मिला के 18 हो रहा है मेघालय में, और मेघालय में 30 पहुंचना क्या, 30 का आधा भी नहीं है किसी का, 1/4 सीट्स भी नहीं है, 60 सीटों की असेंबली में 1/4 सीटें भी किसी एक पार्टी को नहीं मिल रही हैं। 14 पर टीएमसी है, एनपीपी 13 पर है, 8 पर कांग्रेस पे है, और 6 पर बीजेपी है, अन्य 18 पर है। सबको मिलके कुछ खिचड़ी बनानी पड़ेगी मेघालय में। इधर त्रिपुरा में 31 पर बीजेपी, यानी बीजेपी आगे चल रही है, बहुमत का रुझानों को छू चुकी है, लेकिन बहुत ही छोटे छोटे मार्जिन भी चल रहे हैं, और बहुत ही छोटे छोटे मार्जिन के साथ लेफ्ट और कांग्रेस धीरे धीरे बढ़त भी बना रहे हैं। क्या ये खेल पलटेगा त्रिपुरा में, आपको बने रहना होगा। त्रिपुरा का रिजल्ट ये फाइनल मान के मत चलिए, ये त्रिपुरा के रिजल्ट में बहुत कुछ पलट सकता है। वही देखते रहेंगे हम लोग। किशोर मानिक साहब, अभी है सेकंड राउंड की काउंटिंग कंप्लीट, उसके करीब 250 वोट से वो आगे चल रहे हैं। जी अभी मानिक साहब जो चीफ मिनिस्टर थे पीछे हो गए थे, फिर वो 250 वोट से आगे चल रहे हैं। ये बहुत दिलचस्प हो रहा है त्रिपुरा में, एक सीट पे कोई आगे, एक सीट पे कोई आगे, कभी लेफ्ट आगे हो जाती है कांग्रेस के साथ, कभी बीजेपी आगे हो जाती है, कभी त्रिपुरा मथा की सीट जो है वो त्रिपुरा मथा उस सीट पर चुनौती दे देती है और त्रिपुरा मथा आगे हो जाती है। ये आंकड़ा आपको मोटे तौर पर बदलता हुआ नहीं दिख रहा होगा, लेकिन सीट के लेवल पर बहुत कुछ बदल रहा है यहां पर त्रिपुरा में, इसलिए आपको लगातार हमारे साथ बने रहना होगा, क्योंकि हम तो काउंटिंग सेंटर पर ही मौजूद हैं, हम तो वहीं मौजूद हैं जहां पर ये अनाउंसमेंट्स हो रही हैं, हम तो वहीं मौजूद हैं जहां पर इन अनाउंसमेंट से आंकड़े बन रहे हैं, और वो आंकड़े जो हैं बदल रहे हैं, रजिस्टर हो रहे हैं, सब जगह जा रहे हैं, हमारे रिजल्ट हब पे आ रहे हैं, आपकी स्क्रीन पर जा रहे हैं, वो आंकड़े यहीं से निकल रहे हैं, उन्हीं आंकड़ों में बार बार आ रहा है कि कभी कोई आगे कभी कोई आगे। अभी 31 पर बीजेपी आगे जरूर है, 31 बहुमत का आंकड़ा है, लेकिन इसको अभी थोड़ी देर तक और देखना होगा कि इस पर बनी रहती है या नहीं। अमित किशोर, तीन नई पार्टी का जिक्र था, चौथी नई पार्टी अब मेघालय में आ गई है, वो है पीपुल डेमोक्रेटिक फ्रंट, ये भी एक सीट में आगे चल रही है। मेघालय में अन्य पार्टियां 18 सीटों पर आगे चल रही हैं। आशिका, 1 घंटा 45 मिनट हो चुका है, ईवीएम की काउंटिंग शुरू हुई है और बहुत तेजी से अब रुझान आ रहे हैं। मोहनपुर से भाजपा आगे चल रही है, खायरपुर से आगे चल रही है। को बता दूं कि कल्याणपुर से आगे चल रही है और जुबराजनगर से आगे चल रही है, मोहनपुर से भी आगे चल रही है भाजपा। जी हाँ, बीजेपी धीरे धीरे आगे चल रही है, तभी तो 31 पर आगे हो गई है, लेकिन हम बस बार बार ये कह रहे हैं कि ये आगे पीछे का खेल बहुत चल रहा है, हर राउंड पे आगे पीछे का खेल चल रहा है, क्योंकि जो आगे चल रही है वो कुछ 100 सीटों से, कुछ दर्जन वोटों से आगे चल रही है बीजेपी या कांग्रेस। अभी एक क्लास में इन्फॉर्मेशन आया, त्रिपुरा का जो आईसीए मिनिस्टर है था सुशांत चौधरी, वो 1435 वोट से आगे चल रहा है। 1435 तो अच्छा खासा मार्जिन लग रहा है इस वक्त, जब बाकी लोग 12, 14 वोटों से आगे चल रहे हैं। बहुत दिलचस्प जानकारी दे रहा हूँ, नागालैंड में अभी तक कभी भी जितने भी चुनाव हुए हैं कोई महिला विधायक नहीं रही है, पहली महिला विधायक हो सकती हैं, लीड कर रही हैं, सलाउतुनो क्रू से नाम है, वेस्टर्न अंगामी से,
और अभी लीड कर रही हैं। अगर ये जीतती हैं तो नागालैंड की पहली महिला विधायक होंगी, नागालैंड में पहली महिला विधायक होंगी क्रूसे अगर वो जीत जाती हैं तो। लेकिन ये सब नागालैंड में कहानी जो है वो लगभग पूरी है, 46 पर बीजेपी गठबंधन आगे है, ये वहां पर 31 का आंकड़ा है, 40 की बहुत बड़ी लीड है। और नागालैंड की आप बात करते हैं, नागालैंड में बहुत अहम चीज है, एनपीपी पार्टी थी, अहम पार्टी थी, लगभग मतलब वो बहुत बड़े नुकसान पे झेल रही है। कॉनरेड सांगमा की एनपीपी ने नागालैंड में भी चुनाव लड़ा था लेकिन वहां पर वो साफ है, वहां पर 3 पर अभी आगे चल रही है लेकिन वो काफी हद तक साफ है। उधर एनपीपी जो अपने मेघालय में कॉनरेड सांगमा के अपने राज्य में एनपीपी सिर्फ 14 सीटों पर आगे चल रही है, 13 पर टीएमसी आगे चल रही है, बीजेपी भी 6 सीटों पर आगे चल रही है, किसी के कोई भी 30 की तरफ बढ़ता नहीं दिख रहा। 30 का आंकड़ा है जो मेघालय में बहुमत का आंकड़ा है वो आता नहीं दिख रहा क्योंकि अन्य 18 पर आगे चल रहे हैं। बड़ी खबर यहां पर मेघालय में बनती जा रही है। इधर त्रिपुरा में बार अनाउंसमेंट्स हो रही है अमित किशोर, मेघालय की बात कर रहे हैं, अब जाके लिस्ट आई कि एक इंडिपेंडेंट आगे चल रहा है, 4 रीजनल पार्टी, 2 राष्ट्रीय पार्टी और 1 इंडिपेंडेंट आगे।